अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। टुडे टॉपिक यूनिट नंबर 5, मटेरियल्स। आज हम मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। मटेरियल्स होते क्या हैं स्टूडेंट? मटेरियल्स होते हैं एक चीज़ को बनाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों को जब हम इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो मटेरियल होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपकी पेंसिल है, इसको बनाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। जो चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है वो क्या है? मटेरियल्स हैं। जैसे अब इसके अंदर वुड यूज़ हुआ है, लेड यूज़ हुआ है, कलर यूज़ हुआ है इसको ब्लैक करने के लिए, इसके पीछे रेज़र लगी है और स्टील लगा हुआ है। इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं? मटेरियल। और ये मटेरियल, इन सब मटेरियल को मिला के एक क्या चीज़ बन गई? पेंसिल। मटीरियल इज़ समथिंग डैट इज़ यूज मेक समथिंग एल। मटीरियल होता है जो मुख्तलिफ चीज़ों को बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो क्या है? मटीरियल। वी कैन ओनली स्केट ऑन अ स्मूथ सरफेस। आप सबको स्केटिंग का तो पता होगा, आपके पास स्केटिंग शूज़ भी होंगे, जैसे ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, कुछ बच्चों के पास स्केटिंग शूज़ भी होंगे। इन स्केटिंग शूज़ को पहनकर हम उस सरफेस पे, उस ज़मीन पे स्केट कर सकते हैं जो बिल्कुल सीधी हो, जिसमें कोई जंप या कुछ भी सड़क उल्टी सीधी ना हो, उस पे हम स्केट कर सकते हैं। मटेरियल्स कैन बी स्मूथ। कुछ मटेरियल्स स्मूथ भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपकी ये बुक है, बुक की ये बाहर वाली साइड बिल्कुल स्मूथ है, सॉफ्ट है। आप इसको हैंड फेरेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ बल नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है। मटेरियल कैन बी सॉफ्ट। कुछ मटेरियल सॉफ्ट भी होते हैं। जैसे आपका ये टॉय है, ये सॉफ्ट है ना, बिल्कुल फ्लफी सा है, आप इसको हैंड लगाएंगे ऐसे ये फोल्ड होता जा रहा है। और जैसे आपकी ये रेज़र है, आप रेज़र को यूज़ करते हैं, ये भी बिल्कुल सॉफ्ट सी है। मटेरियल कैन बी रफ। कुछ मटेरियल रफ़ होते हैं। जैसे अब आपको एक बुक मैंने दिखाई थी आपकी, सॉफ्ट थी, अब इसकी जो बाहर वाली जिल्द है ये रफ़ है, बिल्कुल खुरदरापन है, इसमें हम जब हैंड लगा रहे हैं हमें चुभ रहा है, तो ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है, मुलायम नहीं है, तो ये रफ़ रफ़ सी है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका है, सम मटेरियल कैन बी हार्ड। कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं। जैसे आपकी ये पेंसिल है, ये वुड इसके लिए यूज़ हुआ है, तो ये हार्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स, सख्त है, इसको हम जितना मर्जी कर लें ये मुड़ेगी नहीं और ना ही ये टूटेगी, ये हार्ड है, ठीक है। सम मटीरियल कैन बी इलास्टिक। कुछ मटीरियल्स इलास्टिक होते हैं। जैसे आपकी ये रबड़ बैंड है, ये देखें, इसमें हम इसको खींचेंगे, इसमें इलास्टिक आ जाएगी, खींच आ जाएगी, जो जिसमें लचक हो। रबड़ बैंड हो गई, आपकी पोनी, मामा की पोनी हो गई, या कुछ भी स्केचेबल हो, ले लें चीज़ जो खींच के, जिसमें आपका इलास्टिक हो गया, जैसे जो हम यूज़ करते हैं आप उस, वो भी एक स्केच इलास्टिक चीज़ है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप सबको पता चल गया है मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के, स्मूथ, सॉफ्ट, रफ, हार्ड एंड इलास्टिक। ओके स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर रिवीजन कर लें, स्मूथ, सॉफ्ट, रफ, हार्ड एंड इलास्टिक, ये कितने टाइप्स के मटेरियल हैं? 5 टाइप्स के। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।